मैं देखो भैया, मणिपुर में जो अपराध हुआ है हम उसके कट्टर खिलाफ हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो इसकी मांग करते हैं। लेकिन राजस्थान में भी जो अपराध हुआ, दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उसको कांग्रेस का मंत्री कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। क्या हम इस देश में ऐसी स्टेटमेंट को स्वीकार कर सकते हैं? बेटी तो बेटी होती है सर, वो झारखंड की, मणिपुर की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की और पश्चिम बंगाल की अलग अलग कैसे हो गई? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं जो कहते हैं बेटी का बलात्कार करने वाला मर्द होता है। यहां जितने लोग खड़े हैं उन सभी लोगों को पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि आप अगर मणिपुर की बेटी के साथ खड़े रहिए, हम भी खड़े हैं, लेकिन राजस्थान की दलित बेटी बेटी नहीं है, झारखंड की बेटी बेटी नहीं है, 6 साल की बेटी का बलात्कार कर दिया और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। तो फिर मैं मनोज तिवारी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं ये कौन सी बेटियों के सम्मान की बात कर रहे हैं? ऐसा ये देश स्वीकार नहीं करेगा, थूकेगा इन लोगों के ऊपर।